अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट मक्खन राजपूत और शुगल डॉट कॉम की एक और ज़बरदस्ती एपिसोड लिए मैं आज मौजूद हूं एट्रियम मॉल में और यहां देखते हैं कि आवाम में कितना कॉमन सेंस और नहीं और आज हम करेंगे टंग ट्विस्टर भी तो देखते हैं टंग ट्विस्टर में कितने कामयाब होते हैं और कितने नहीं आ जाए मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या नाम है आपका साकिब क्या करते हैं सर मैं डिफेंस में क्या नाम है आप साइमा ईद की तैयारियां चल रही हैं बिल्कुल चल रही हैं ईद के बाद की सब की इसके बाद तो शादियां वादियां सीजन शुरू सारा है मतलब आगे पीछे घूमना फिरना भी तो होता है ना खाली ईद तो नहीं होती क्या नाम है सर आमिर क्या करते हैं सर मैं शॉपकीपर हूं क्या नाम है सर अब्दुल राफे अब्दुल राफे क्या करते हैं अब्दुल राफे मैं आर्टिस्टिक फैब्रिक में होता हूं चल 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 किधर भाग रहे हो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम उसको भी बुलाओ तुम भी आओ इधर कहां भाग रहे थे इधर आओ इधर आओ मैं मोबाइल छीनने आ रहा तुमसे इधर आओ खड़े हो जाओ इधर कैसे हो मैं लगा करूं क्या नाम है अहमद अली अहमद अली तुम्हारा नाम क्या है राहिल क्या करते हो स्टूडेंट है तुम भी टीचर हूं ओ टीचर रिस्पेक्ट के साथ लेना पड़ेगा सर कैसे हैं क्या पढ़ाते हैं मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं फर्स्ट ईयर इंटर मैट्रिक क्या नाम है आपका फिजा फिजा पोएम सुनाएगी सुनाए पोएम सुनाए काली इनके सारे रात बादल ऐसे बरसा रहते रहो बादल आए जोम से मेरे मजाए जोम से बाज में ना आएंगे अबू आम लाएंगे बहनी खुद मन लाएंगे वाह भाई तालियां बजा दो भाई बच्चे के लिए बहुत अच्छी तालियां ये लो भाई यस यस डर क्यों रहे हो भाई भाई डर कौन है आप चार में बंदूक थोड़ी ना जो डरे मुझे बताओ ना कि लोग मुझसे क्यों डर रहे हैं फिर आप सवाल ही ऐसे कर रहे हैं तुम्हें कैसे पता पीछे पीछे दिखा रहे हैं अच्छा मेरे पीछे पीछे जासूसी कर रहे थे मेरे गड़बड़ तो नहीं है ये नहीं किसके जासूस मैं नहीं बोल सकते नहीं बोल सकते अच्छा तो कौन क्या करते हो तुम स्टडी स्टडी कौन से स्कूल में कौन सी क्लास में मैट्रिक ये नीचे से ऊपर कैमरा लेके जाए जरा ये मैट्रिक में इतने इतने से बच्चे मैट्रिक में आ रहे हैं मतलब क्या क्या पैदा होते ही स्कूल लग गए थे नहीं आ गए 15 साल के हो छुट्टियां हटा के बता रहे हो क्या मतलब छुट्टियां मिला के बताओ कितनी उम्र है तुम्हारी छुट्टियां नहीं समझ में तुम्हें समझ में भी नहीं आएगी 15 साल इसकी उम्र है क्या नाम है अलीशा अच्छा क्या करते हो मैं स्टूडेंट हूँ पढ़ाई करता हूँ क्या पढ़ते हो मैं स्कूल में पढ़ता हूँ सब्जेक्ट्स जो भी होते हैं कौन सी क्लास में एट कॉमन सेंस है तुम्हें हाँ क्या होता है कॉमन सेंस कॉमन सेंस के मतलब आप सेंस ऑफ ह्यूमर होता है आपका कि आप कितना मतलब दुनिया को जानते हो क्या नाम है आपका मुमताज अली क्या करते हैं सर जी मैं जॉब करता हूँ जॉब करते हैं सर कॉमन सेंस है आप में कॉमन सेंस तो हर इंसान में होता है आप में है अल्टीमेट है अल्टीमेट है अल्टीमेट मकसद है कि जो पूछेंगे तो वो कोशिश करेंगे कितना है बस जितना अल्लाह ने भरा हुआ है क्या हाल है अल्लाह का एहसान है आप सुना अल्हम्दुलिल्लाह क्या करते हो जी मैं जॉब करता हूँ जॉब करते हो कॉमन सेंस है तुम बिल्कुल है सर कितना है जितना मैंने पढ़ा है उतना ही होगा कितना पढ़ा है तुमने मैंने 10th तक पढ़ा हुआ है उतना ही है आमना क्या करती हैं आमना पढ़ती हैं कौन सी क्लास में नाइन क्लास में कितना कॉमन सेंस होता है बच्चों में ज़्यादा होता है क्योंकि क्लास में हम एक्सपीरियंस लेकर आते हैं थोड़ा सा मतलब 1-2 से एक्सपीरियंस लेकर आते हैं तो कॉमन सेंस ज़्यादा होता है अच्छा तो कॉमन सेंस है आप में सॉरी कॉमन सेंस है आप में नहीं ऐसी बैठा है जी बोले अच्छा कितनी कॉमन सेंस है आप कितनी कॉमन सेंस आप आजमा लें मैं आजमा लूँ पक्का आजमा मुझे ये बताएं जो चीज़ हम खाते हैं और पीते हैं वो कहाँ से निकलती है खाते हैं और पीते हैं जो खाते हैं वो ज़मीन से निकलती है जो पीते हैं वो दरिया से आता है पानी ज़बरदस्त भाई तालियां बजा दें इनके लिए आप खुद ही पहले तालियां बजाएं मैं भी एक साथ साथ तालियां बजा रहा हूँ तो इन्होंने आंटी ने जवाब दे दिया था एक तो उन्होंने जो है ना सुन लिया अच्छा दूसरा सवाल मेरा ये है कि वो सॉरी अच्छा बाजी अस्सलाम वालेकुम बाजी कैसी हैं आप आई एम गुड सॉरी मैंने आपको आंटी कहा था बाजी कैसी तबीयत ठीक है आपकी ईद की तैयारियां चल रही हैं यस तो अंकल मैं आपके पास आता हूँ
और कॉमन सेंस है बाजी आप में? कॉमन सेंस है आंटी आप में? बाजी सॉरी कुछ भी कह लो यार, डोंट टेक टेंशन, बिल्कुल कुछ भी कह लो, मुझे बताएं कॉमन सेंस है आप में? पता नहीं, ट्राई करवा लो। ये मुझे ये बताओ, किसी महीने में 31 दिन होते हैं, किसी में 30 दिन होते हैं, वो कौन सा ऐसा महीने है जिसमें 28 दिन होते हैं? फरवरी में होता है। पक्का? बिल्कुल पक्का। कंफर्म? कंफर्म है सर। लॉक कर दो? बिल्कुल आप लॉक कर सकते हो। कॉमन सेंस का सवाल है ये। बिल्कुल, आपको बोला ना लॉक करो फिर। और अगर ये जवाब ना हुआ तो? ना हुआ तो फिर ना हुआ। लेकिन ये जवाब नहीं है। फरवरी। पांच दफा बोलो। फरवरी। हाँ भाई, फरवरी जवाब नहीं है। सब ने यकजा होके बोला फेब। क्या क्या जवाब दिया? मैंने, मेरा सवाल दोबारा, किसी महीने 31 दिन होते हैं, किसी में होते हैं 30 दिन, वो कौन से ऐसे महीने हैं जिसमें 28 दिन होते हैं? कौन से ऐसे महीने हैं? जवाब आप तालियां बजाएं सारे मिलके इनके लिए। एक ही महीना है फेब का, फेब्रुअरी। मैंने कहा कॉमन सेंस का सवाल है, सारे महीनों में 28 दिन होते हैं। ये जवाब आ गया भाई, मैंने कहा कॉमन सेंस का है, इन्होंने नोट कर लिया। वो कौन से ऐसे महीने हैं? महीने हैं जिसमें 28 दिन फेब्रुअरी। वो तो एक हो गया ना। अप्रैल। और ये पीछे से जवाब आ रहा है जी, कि क्या कह रहे हैं? सारे महीने, सारे महीनों में 30 दिन होते हैं। 28। क्या नाम है आपका? बिस्मा। आप यहीं रहो। आपका नाम क्या है? खोला। खोला। क्या करते हैं आप लोग? पढ़ते। कॉमन सेंस है आप लोग? थोड़ा बहुत। टीवी में पहले क्वेश्चन देखा था। अच्छा, टीवी में पहले क्वेश्चन देखा था तो इन्होंने जवाब दे दिया, उन्होंने मेरा चुराया था। जहाँ तक हमें पता है वहाँ तक तो अट्ठा। मैं कंफ्यूज ही कर रहा हूँ। नहीं, एक ही मंथ में होते हैं। लीप ईयर होता है फेब में और 28 डेज होता है। सिर्फ फेब में 28 दिन होता है? पूरे साल में जो 12 महीने होते हैं सब में 28 दिन होते हैं, लेकिन फेब में सिर्फ 28 दिन होते हैं, सब में होते हैं, सब में होते हैं 28। ये अब आ गए, अब आया जवाब। अब आप ताली बजाएं उनके लिए। एक ही होता है फेब्रुअरी का। पक्का? बचपन में तो यही पढ़ा था। उसके बाद फिर अभी भी देख भी यही रहे हैं, कब्र तक जाते जाते भी हो सकता है यही हो। वो तो होगा, लेकिन मैंने कहा कि कॉमन सेंस का सवाल है। हाँ, तो 28 दिन होते हैं ना एक फरवरी के महीने में? सिर्फ एक महीने में 28 दिन सिर्फ एक महीने में होते हैं? मैंने कहा कि वो किसी में 31 दिन होते हैं, किसी में 30 दिन होते हैं, वो कौन से ऐसे महीने जिसमें 28 दिन होते हैं? 28 के बाद 29, 30, 31, हर महीने में 28 दिन होते हैं। ये हुआ ना जवाब? अच्छा, तालियों में। ऐसे करो तो सवाल तो फिर ऐसे मिलेगा जवाब। नहीं तो सवाल मैंने पहले ही कर दिया था और मैंने आसान कर दिया। अच्छा, मेरे इनाम तो देने, पॉपकॉर्न। ये जी, मैं इनके साथ पॉपकॉर्न एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे ये बताओ कि वो क्या ऐसी चीज़ है कि जिसको जब वो हमारे पास मौजूद होती है तो उसको हम हाथ से आगे पीछे करते हैं, और जब वो मौजूद नहीं होती तो उंगली से आगे पीछे करते हैं? छुरी हो तो यानी ब्रेड पे आगे पीछे करते हैं, वरना उंगली से आगे पीछे। उंगली से नहीं? वो भी आपने बोला ना उंगली से करते। नहीं नहीं, मक्खन को तो, मक्खन तो मेरा नाम है। तो मक्खन नाम है? मक्खन राजपूत मेरा नाम है। फिर मैं मलाई राजपूत हूँ। मलाई राजपूत? मकन मक्खन मलाई की तो जोड़ी पक जाएगी। अरे नाज़रीन, ये तालियां ही मार रहा मेरे साथ। ये लो ताली मारो। मैं क्यों मारूं, हिसाब बराबर हो गया। हिसाब बराबर हो गया, मैं भी खेलूंगा। अच्छा, ये आ गए मलाई, मैं आ गया मक्खन, तो तुमने मेरे साथ रहना, ठीक है? तो पहले जल्दी जवाब दोगे तुम? रोजाना इस्तेमाल करते हो तुम? पहन के देते हो? हाथ से कैसे आगे पीछे करते हो? वो तो ऊपर नीचे करते हैं। रोजाना यानी सुबह मौजूद, यानी सुबह करते हैं ना उसको? सुबह में भी, रात में भी? नहीं पता। थोड़ा सा तो हिंट दें। थोड़ा बहुत बता दिया मैंने नाज़रीन, हिंट दे दी मैंने। हिंट तो थोड़ा सा देना सभी बंदे को। सुबह सुबह में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, रात में भी करते हैं।
थोड़ी सी क्या, एक पाव हिंट और दे दो। जी तो पाकिस्तान थोड़ी ना चल रहा है। तो एक पाव हिंट और दे दो। हाँ दे दे। उस पे कुछ लगा के इस्तेमाल करते हैं। बाल। बालों पे क्या लगा के इस्तेमाल करता है भाई? पानी और जेल। हाथ से कैसे आगे पीछे करता है? उंगली से बाल बनाता है ऐसे। ये उंगली से बाल बनाता है ऐसे। उंगली से कैसे करता? हिंट दे देता हूँ, आसान कर देता हूँ। वो हम सुबह उठ के उस चीज को इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल ही है आई थिंक। कैसे उसको हाथ से कैसे करेंगे उंगली? वो तो हम कर लेते हैं। सुबह उठ के इस्तेमाल करते हैं हम, अमूमन रात में भी कर लेते हैं। टूथब्रश। दूसरा जवाब आ गया। हमारे पास हो तो हम हाथ से आगे पीछे करते हैं, और ना हो तो उंगली से आगे पीछे करते हैं। उंगली से। कॉमन सेंस का सवाल है, हम रोज सुबह इस्तेमाल करते हैं उसको। आसान कर देता मैंने आपके लिए। अगर हो तो हाथ से आगे पीछे करते हैं, अगर ना हो तो हम। टूथब्रश। जबरदस्त तालियां बजाते थे। एक हिंट से इन्होंने जो है ना जवाब दे दिया। वो कौन सी चीज है जो मौजूद हो तो हाथ से आगे पीछे करते हैं, और ना हो तो उंगली से आगे पीछे करते हैं? तो वो टूथपेस्ट है। टूथपेस्ट क्या है? टूथपेस्ट हो सकता है कोई भी। नहीं, टूथपेस्ट को कैसे इस्तेमाल करते हैं? पेस्ट में अगर हाथ में है तो हम उसको प्रेस करेंगे तो बाहर निकलेंगे, नहीं आएगा तो उसमें उंगली डाल देंगे। तो हाथ से आगे पीछे कैसे करेंगे? नहीं तो करीब करीब है आप। करीब हूँ मैं। टूथपेस्ट लगाते किस में? बुरश में। तो बुरश ही ना। टूथब्रश। जी तो ये सही जवाब है। अगर मौजूद हो तो हम हाथ से। नहीं तो फिर वहाँ से निकालते, मैनुअल काम करते। हाँ, जुगाड़ू। जी सर, बहुत अच्छा लगा। कोई मैसेज कोई देना चाहेंगे अब हम? मैसेज तो हम बहुत अच्छा देंगे इंशाल्लाह। देंगे अभी देना, इतना मत सोचें। जल्दी से 5 सेकंड आपके पास। माह रमज़ान के रोज़े सारे भाई दोस्तों रखूं, और ये बहुत अच्छा महीना है, बरकत का महीना है, और इसमें बहुत सारे सवाब अल्लाह से हासिल करें। अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे और अपने मुल्क के लिए खैर आफियत की दुआ मांगे। ये बताएं कि जो चीज़ हम खाते पीते हैं वो कहाँ से निकलती है? कॉमन सेंस का सवाल है, सोच समझ के जवाब दीजिए। ज़रिए डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो खाएंगे तो वो हजम होगी तो ऑटोमेटिकली निकलेगी। नहीं, वो तो एक कॉमन सी चीज़ है ना, लेकिन ये कॉमन सेंस है। मेरे हिसाब से तो यही सवाल जवाब है। तो नहीं, जवाब दो। जमीन से। इतना कंफ्यूज क्यों रहे? बस ऐसे ही सोच रहा था। यही जवाब है? हाँ, मेरे ख्याल में। तुम्हारे ख्याल? हाँ। कंफर्म? हाँ। पक्का? हाँ। लॉक कर दूँ? जी। भाई तालियां बजा दें भाई, ये इन्होंने भी दिया है सही जवाब। अब एक टंग ट्विस्टर करेंगे हम। शी सीज चीज। कितनी दफा कहना है? बस रुकना नहीं है, 3 चांस हैं आपके पास। कितने? दोबारा बोलो। शी सीज चीज। शी सीज चीज। शी सीज चीज। शी सीज चीज। एक चांस गया। दूसरा। अच्छा, ये निकलेगा नहीं मुझसे। शी सीज चीज। शी सीज चीज। थर्ड चांस। शी सीज चीज। शी सीज चीज। शी सीज चीज। शी सीज चीज। भाई था चीज। दूसरा आंटी आपसे। शी सीज चीज। शी सीज चीज। शी सीज चीज। शी सीज चीज। बस तुम करो कॉमा। ये रोल, ये जो है ना टंग ट्विस्टर। शी सीज चीज। चांस गया। सेकंड। शी सीज चीज। 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 हो गया भाई, तालियां बजाते। बहुत अच्छी फैमिली माशाल्लाह। रोलर कोस्टर। रोस्टर। रोलर कोस्टर। रोस्टर। रोस्टर। एक चांस गया, दो रह गए। पहले बनाओ याद कर। रोलर। आजा घर से याद करके आ जाओ, मैं कल आ जाता हूं पूछने के लिए। रोलर कोस्टर। रोस्टर। रोलर कोस्टर। रोस्टर। रोलर कोस्टर। एक चांस गया, दूसरा अटक गई थी।
रोलर कोस्टर हो गया है इनेक्ट। अब आपकी बारी है। शी सीज चीज। शी सीज चीज। शी चीज सी। शी सीज चीज। नहीं तुम्हारा कैंसिल हो गया। शी हाँ समझाओ इसको समझाओ। चीज़ एक का एक चांस कट सेकंड। चीज़ दूसरा कट। चीज़ कट यही वाला। चीज़ नहीं खाने पीने वाली चीज़ नहीं। शी सीज चीज़। She sees cheese. हो जाओ भाई इसके लिए बहुत अच्छा भाई। She sees cheese. ये बहुत पुराना हो गया आंटी। पुराना दोबारा से मेरे आंटी बोलिए बाजी दोबारा। लोगों से पुराना बोलना व्हाट इज दिस। अच्छा चलें आप 20 दफा बोल दें। क्या कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोल के दिखाना। कम ऑन वेक अप। आई कैन बट नॉट इन फ्रंट ऑफ। नहीं ये मेरा सवाल रिकॉर्ड करें भाई। ही इज गोइंग टू डू इट। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कम ऑन तालियां जोरदार तालियां इसके लिए। वेरी गुड वेरी नाइस कीप इट अप। थैंक यू वेरी मच। देखा आंटी का चैलेंज तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया और आंटी से जो है फिर आंटी निकल गया मेरे मुंह से। सॉरी बाजी का चैलेंज जो है मैंने एक्सेप्ट कर लिया और इन जो है ना मैं जीत गया। ठीक है एक और पकवान बनता है इस बात पे। एक और पकवान आ गया मेरा इनाम वो वाला पर। थैंक यू। अच्छा दूसरा कोई सवाल आपसे करूँ। मुझे मजा आ रहा है असल में अपनाइयत महसूस हो रही है आप। मैं आपसे दूसरा सवाल ये करता हूँ। एक ब्लैक बोर्ड पे एक वाइट बोर्ड पे ब्लैक लाइन खींची हुई है उसको बिना मिटाए बिना हाथ लगाए हम उसको छोटा कैसे करेंगे। एक और बना दे नीचे एक और बना दे इसमें कौन सा मसला है। जबरदस्त यार तालियां बजा दे आंटी में मतलब एक्सपीरियंस उम्र के साथ जाए कॉमन सेंस बढ़ जाता है ये कहते हैं तो ये जाना नजर आ रहा मुझे। बच्चों से कोई पोएम वगैरह सुन लेते हैं। बच्चे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो। ठीक हूँ। क्या करती हो। ट्विन्स हो दोनों। अच्छा कि आपका नाम क्या है बेटा। नबीका। नबीका क्या करती हो आप। क्या करती हो। नासा वन क्लास में। अच्छा मुझे दोनों पोएम सुनाओगे कोई। ठीक है एक पोएम आप सुनाओगे एक पोएम पहले कौन सुनाएगा। ये सुनाएगी। चलें जी आप सुनाएं पहले। One little finger, lap, 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 point in a flip, point in a flop, up it in a lag, 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 lag. Two little finger, lap, 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 point in a flip, point in a flop, up it in a lag, lag, lag. Three little finger, lap, 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 point. तालियां बजाओ भाई इसके लिए जबरदस्त। अब आप तुम्हारी बारी चलो। Tangle, little sir, how one want to assure, up one assure, lighting in the sky. ताली मार दो भाई ताली। Yes, आप ही ताली मार दो। Yes, yes. ये बताओ कि एक हाथी स्विमिंग पूल में गया तो वो कैसे बाहर निकलेगा कैसा बाहर निकलेगा। पता नहीं। क्यों नहीं पता। क्यों कैसे निकलेगा तुम बताओ। उठ के बाहर अपने ऐसे पांव फैला के निकलेगा। कैसा बाहर निकलेगा ये बताओ। भीगा हुआ बाहर निकलेगा गीला बाहर निकलेगा। जी सही जवाब दिए भाई तालियां बजा दो अपने लिए। जी तो नाजरीन आज हम मौजूद थे एट्रियम मॉल में और आपने देखा कि यहाँ की आवाम में कितना कॉमन सेंस था और कितना नहीं। आज हमने किए टंग ट्विस्टर्स भी और टंग ट्विस्टर में तो लोगों की हालत ख़राब हो गई। आज के हमारे सवालात ये थे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है
जो हमारे पास मौजूद हो तो हम उसको हाथ से आगे पीछे करते हैं, और अगर ना हो तो उंगली से आगे पीछे करते हैं। और उसके लिए आसानी के लिए मैंने हिंट भी दी लोगों को, और वो हिंट ये थी कि हम सुबह में इस्तेमाल करते हैं और अमूमन रात में भी, तो वो है टूथब्रश। जी हाँ, दूसरा सवाल हमारा ये था कि वो जो हम चीज़ खाते और पीते हैं वो कहाँ से निकलती है। जी हाँ नाजरीन, आसान सा जवाब, कॉमन सेंस का जवाब है इसका, और वो चीज़ जो है ज़मीन से निकलती है। तीसरा सवाल हमारा ये था कि किसी महीने में 30 दिन होते हैं, किसी महीने में 31 दिन होते हैं, वो कौन से ऐसे महीने हैं। मैंने बार बार रिपीट किया, वो कौन से ऐसे महीने हैं जिसमें 28 दिन होते हैं। तो नाजरीन, 12 महीनों में 28 दिन होते हैं। इतना अगर ये जवाब होना तो ये तोता भी, ये मकाओ भी जवाब दे दे, ठीक है। लेकिन लोगों ने जो है जवाब नहीं दिया, ये भी आ रहा है जवाब देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी पेजेस के लिंक आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। अगली एपिसोड के लिए अपने होस्ट मक्खन राजपूत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगमा।